दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है परी की सौतेली बहन की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक बार की बात है, परी लोग में तारा और हिना नाम की दो सौतेली परी बहनें अपनी माँ साक्षी परी के साथ रहती थी। साक्षी परी परी लोग की रानी थी। साक्षी परी दिल की बहुत ही अच्छी थी। साक्षी परी हमेशा परीलोक में हर जरूरतमंद परी की मदद किया करती थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ साक्षी परी की दोनों बेटियां तारा और हिना परी बहुत ही दुष्ट थी। वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचती थी। वहीं साक्षी परी की जगह परीलोक की रानी बनने के लिए उसकी दोनों सौतेली बेटियां हमेशा एक दूसरे के साथ में लड़ाई करती रहती थी। तभी एक दिन अचानक से दोनों बहनें एक साथ महल के एक गुप्त कमरे में मिलती हैं और उसी समय तारा परी हिना परी से कहती है, सुन हिना, हम दोनों परीलोक की रानी बनने के लिए हमेशा एक दूसरे से लड़ाई करती रहती है। हिना, तुझे भी पता है कि हम दोनों सौतेली बहने हैं, इसीलिए हमारे बीच प्यार तो कभी भी नहीं आएगा। लेकिन अगर हम दोनों ऐसे ही लड़ते रहे तो माँ परीलोक का सारा कीमती खजाना उन गरीब परियों पर निछावर कर देंगी। फिर तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा, इसीलिए मेरे पास एक प्लान है। अगर तू कहे तो मैं तुझे बताऊँ। हाँ बोल तारा, वैसे भी आज पहली बार तूने अकलमंदी की बात की है। तू सही बोल रही है, अगर हमें परीलोक पर अपना कब्जा जमाना है तो एक साथ मिलकर ही इस कार्य को अंजाम देना होगा हमें। चल अब तू बता कि तेरा प्लान क्या है। उसके बाद तारा परी हिना परी के कानों में कुछ कहती है, जिसे सुनकर हिना परी तो बहुत ही खुश हो जाती है। और फिर तुरंत ही दोनों सौतेली बहनें आज पहली बार साथ मिलकर अपनी माँ साक्षी परी के पास जाती हैं। तभी हिना परी उसे कहती है, माँ, हम दोनों बहनें हमेशा एक दूसरे से लड़ाई करती रहती थी, इसीलिए आज से हम दोनों ने फैसला किया है कि अब से हम दोनों एक दूसरे के साथ प्यार से रहेंगी और कभी भी लड़ाई नहीं करेंगी। इसी खुशी में माँ, चलो आज हम तीनों मिलकर परीलोक के पास वाली पहाड़ी पर जाते हैं। वहाँ बैठकर हम तीनों खूब सारी बातें और मस्ती करेंगे। वही साक्षी परी तो अपनी दोनों बेटियों को ऐसे एक साथ प्यार से रहता देख बहुत ही खुश हो जाती है। और साक्षी परी तुरंत ही अपनी दोनों बेटियों के साथ उस पहाड़ी पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। और फिर कुछ ही समय में तीनों उस पहाड़ी पर जाने के लिए निकल जाती है। वही पहाड़ी पर पहुंचकर तारा परी और हिना परी साक्षी परी को एक बहुत ही ऊंची पहाड़ी के किनारे पर ले जाकर खड़ा कर देती है। तभी हिना परी अपनी माँ से कहती है, माँ, आपको क्या लगा कि हम यहाँ आपके साथ बातें करने के लिए आए हैं? नहीं नहीं माँ, बिल्कुल नहीं। और हाँ माँ, हम दोनों बहने नहीं, एक दूसरे की दुश्मन हैं, इसीलिए हम कभी भी एक साथ नहीं होने वाली। अभी तो माँ हमें आपको रास्ते से हटाना था, इसीलिए हम एक साथ हैं, ताकि आपके बाद हम पूरे परीलोक पर अपना कब्जा जमा सके, समझी? चलिए चलिए माँ, अपनी आखिरी सांस ले लीजिए, अब आपका जाने का समय आ गया है। जाइए, बहुत जी लिया आपने और बहुत सेवा कर ली सभी परियों की, अब चैन के साथ मरिए। इतना बोलकर हिना परी और तारा परी अपनी माँ को उस पहाड़ी से गिराने ही वाली होती हैं कि तभी वहाँ पर परीलोक की कुछ परियाँ आ जाती हैं और वो उन दोनों बहनों को डराकर वहाँ से भगाने लगती हैं, जिससे वो दोनों बहनें घबरा जाती हैं। फिर उसके बाद वो परियाँ साक्षी परी को उस पहाड़ी से गिरने से बचा लेती हैं। वही साक्षी परी तो खुद को मौत के मुँह से बाहर देख कर चैन की सांस लेती है। और फिर वो अपनी दोनों बेटियों से कहती है, तुम दोनों को अपनी बेटियां बोलने में भी अब मुझे शर्म आती है। तुम दोनों ने परीलोक पर कब्जा जमाने के लालच में अपनी माँ को ही मारने की कोशिश की,
लेकिन ये देखो मैं बच गई, क्योंकि मैं इतने सालों से इन परियों की मदद कर रही थी, जिसकी वजह से आज इन्होंने ही मुझे मौत के मुंह से बाहर निकाला। और इसीलिए अब मैं पूरा परीलोक और खजाना भी इन परियों के नाम कर दूंगी, और तुम दोनों के लिए परीलोक में या महल में कोई भी जगह नहीं है। जाओ, चली जाओ मेरी नजरों के सामने से। वही तारा परी और हीना परी तो साक्षी परी की ये बात सुनकर बहुत ही घबरा जाती हैं, और तब उन्हें अपनी गलती का एहसास भी होता है। फिर दोनों साक्षी परी से अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगती हैं, लेकिन साक्षी परी उनको बिल्कुल भी माफ नहीं करती। लेकिन ये देखकर वहाँ खड़ी बाकी परियाँ साक्षी परी को अपनी बेटियों को माफ कर देने के लिए बोलती हैं, जिससे सुनकर साक्षी परी उन दोनों को माफ कर देती हैं और उन्हें परीलोक में रहने की इजाजत भी दे देती हैं। वहीं उस दिन के बाद से तारा परी और हीना परी बहुत ही बदल जाती हैं और दोनों सबके साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव करने लगती हैं और एक दूसरे के साथ भी सगी बहनों की तरह रहने लगती हैं। बहुत समय पहले की बात है, गंगापुर गांव में किरण अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। किरण की माँ को अभी मरे 2 साल ही हुए थे कि इसी बीच किरण के पिता ने सुरीली से दूसरी शादी कर ली। सुरीली से शादी करने के बाद किरण के पिता अक्सर काम से बाहर रहने लगे, जिसका फायदा उठाकर सुरीली किरण पर बहुत जुल्म किया करती थी। सुरीली की एक बेटी भी थी जिसका नाम जानवी था। किरण के पिता को साल में सिर्फ एक ही बार मौका मिलता था अपने परिवार से मिलने का, इसलिए वो हर महीने शहर से ही पैसे भिजवाते रहते थे। अपने पति के भिजवाए पैसों से सुरीली अपनी बेटी जानवी के साथ बहुत ऐश करती थी। वो अपनी बेटी जानवी के साथ शॉपिंग पर जाती थी, पर कभी भी किरण को लेकर नहीं जाती थी। सुरीली हमेशा किरण से घर का काम करवाती रहती थी। किरण, हम शॉपिंग पर जा रहे हैं। ये सुनकर किरण बहुत ही खुश हो जाती है। ठीक है माँ, मैं जल्दी जल्दी सारे घर का काम खत्म कर लेती हूँ। किसने कहा कि तू भी जा रही है? तू अपना आराम से काम खत्म करना। मैं और जानवी जा रही हैं। शाम तक आ जाएंगे। मैं और जानवी होटल में खाना खा कर ही आएंगे। फ्रिज में खाना पड़ा हुआ है, वो गरम करके खा लेना तू। इतना कहकर सुरीली जानवी को लेकर शॉपिंग पर चली जाती है। किरण चुपचाप अपने घर का सारा काम खत्म करके बासी खाना गरम करके खा लेती है। ऐसे ही किरण अपने रोजमर्रा की जिंदगी गुजार रही थी कि एक दिन किचन में खाना बनाते समय किरण से गलती से फर्श पर तेल गिर जाता है। तभी किरण बोलती है, अरे नहीं, इतना सारा तेल गिर गया, पहले रोटियां बना लेती हूँ, उसके बाद फर्श साफ कर दूंगी। किरण रोटियां बना ही रही थी कि इतने में उसे जानवी के चिल्लाने की आवाज आती है। मेरी यहाँ भूख से जान निकल रही है, मेरे लिए जल्दी से खाना लेकर आओ। बस अभी लेकर आई। इसके बाद किरण जानवी के लिए फटाफट गर्मा गर्म खाना लेकर जाती है और जानवी घपा घप खाना खाने लगती है, पर किरण फर्श साफ करना भूल जाती है कि तभी सुरीली का पैर फर्श पर पड़े तेल पर फिसल जाता है और सुरीली जोर से जमीन पर गिर पड़ती है। हाय दैया, मर गई, मेरी कमर टूट गई, इस कलमूनी ने फर्श पर तेल फेंक रखा था। सुरीली की आवाज सुनकर जानवी और किरण फौरन वहाँ भागते हुए पहुँचती हैं। हाय राम, जल्दबाजी में मैं तो फर्श पर गिरा तेल साफ करना ही भूल गई। तभी सुरीली उठ खड़ी हुई और गुस्से से लाल पीली होकर किरण से बोली, क्यों रे, तूने मुझे मारने का प्लान बनाया था क्या? सुरीली इतना बोलकर किरण को बहुत मारती है और बोलती है, मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है। जानवी बेटा, तैयार हो जाओ, हम पहले डॉक्टर के पास जाकर मेरी कमर की दवा लेंगे, उसके बाद मैं तुम्हें एक नई फ्रॉक दिलाकर लाऊंगी।
और तू कल मोही घर का सारा काम हो जाना चाहिए और जल्दी से फर्श भी साफ कर दे। इतना बोलकर सुरीली किरण के साथ फिर से शॉपिंग करने निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ किरण अपने कमरे में बैठकर बहुत रोती है। थोड़ी देर बाद सुरीली और जानवी भी वापस घर पर आ जाती हैं। घर पर आते ही जानवी किरण से कहती है, ये देख किरण, माँ ने आज मुझे कितना सुंदर फ्रॉक दिलाया है ना? जानवी के पास नए नए कपड़े देखकर किरण का मन अंदर से दुखी हो जाता था, क्योंकि किरण को केवल त्योहार पर ही नए कपड़े मिलते थे। किरण अपने कमरे में अपनी माँ की तस्वीर के सामने जाकर कहती है, माँ जब से तुम गई हो पिताजी के पास तो समय ही नहीं है मेरा हाल पूछने के लिए। मेरा भी बहुत मन करता है नई फ्रॉक पहनने का। नई माँ और जानवी रोज शॉपिंग पर जाती हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे लेकर ही नहीं जाती और न ही मेरे लिए कुछ लेकर आती है। मैंने कुछ कहा तो मेरी पिटाई कर देती है। मुझे भी आपके पास आना है माँ। ये कहते कहते किरण सिसक सिसक कर रोते हुए सो गई। जब सुबह किरण की आँख खुलती है तो वो देखती है कि उसके बेड के पास एक सुंदर सी फ्रॉक रखी है और वो बहुत ही खूबसूरत और चमक रही है। अरे ये किसकी फ्रॉक है? देखने में तो बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन ये मेरी तो नहीं हो सकती। कि तभी किरण के सामने उसकी माँ की आत्मा प्रकट हो जाती है। किरण अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हो जाती है। माँ कहाँ थी तुम? माँ कहाँ थी तुम? इतने दिनों से मुझे छोड़कर तुम कहाँ थी? मैं तेरे पास ही रहूँगी बेटी, बस कुछ कारण की वजह से मैं तुझे दिखाई नहीं दूंगी। ये फ्रॉक मेरा उपहार समझकर रख लेना। ये फ्रॉक कोई मामूली फ्रॉक नहीं बल्कि एक जादुई फ्रॉक है। तुम इससे जो भी मांगोगी ये तुम्हें सब कुछ देगा। कोई भी अगर गलत मंशा से तुम्हारे फ्रॉक को छूने की कोशिश करेगा तो उसके मन की सारी बुराई खत्म होकर अच्छाई जाग जाएगी। पर मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पास रहो माँ। मैं तो हर जगह मौजूद हूँ मेरी बच्ची। तुम्हारी नई माँ तुम पर बहुत जुल्म करती है, मैं जानती हूँ। उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। इतना बोलकर किरण की माँ वहाँ से गायब हो जाती है। उस दिन किरण उस जादुई फ्रॉक को पहनकर बहुत सुंदर लग रही थी। वो फ्रॉक पहनकर किरण घर के सारे काम कर रही थी कि तभी जानवी की नजर किरण के फ्रॉक पर जाती है। तभी जानवी बोलती है, ए किरण ये फ्रॉक मुझे दे दे, इतनी सुंदर फ्रॉक तुम्हारे ऊपर जच नहीं रही है। नहीं जानवी, ये फ्रॉक तो मैं तुम्हें नहीं दे सकती, क्योंकि ये फ्रॉक मेरी माँ की आखिरी निशानी है। तभी सुरीली भी वहाँ पर आकर कहती है, मेरी बेटी को जो पसंद आ गया वो मैं उसके नाम कर देती हूँ, तो तेरी ये फ्रॉक क्या चीज है? जल्दी से फ्रॉक उतार कर मेरी बेटी को दे दे, वरना तुझे पता है ना तेरे साथ क्या होगा। किरण डर जाती है, लेकिन फिर भी वो अपना आत्मविश्वास नहीं खोती है और बोलती है, नहीं माँ, बस आपसे एक ही विनती है, बस आप ये फ्रॉक मत लो मुझसे माँ। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, रुक जा तुझे तो अभी बताती हूँ। ये कहते हुए सुरीली किरण के फ्रॉक को हाथ लगा देती है। फ्रॉक को हाथ लगाते ही सुरीली को एक जोरदार बिजली का करंट लगता है और सुरीली जोर जोर से रोने लगती है। अब आपको क्या हुआ माँ, आप रो क्यों रही हो? मुझे माफ कर दे किरण बेटी, मैंने तुझ पर बहुत जुल्म किए, मैं एक पापी औरत हूँ, मुझे सजा मिलनी चाहिए। तभी किरण समझ जाती है कि ये जादुई फ्रॉक का ही जादू है, लेकिन जानवी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। माँ आप ये क्या कर रही हो? आप समझी किरण, तूने ही कोई काला जादू किया है ना मेरी माँ के ऊपर, बोल क्या किया है तूने मेरी माँ पर? नहीं जानवी, मैंने कुछ नहीं किया।
तभी जानवी भी किरण के जादुई फ्रॉक को हाथ लगा देती है और उसे भी एक जोरदार करंट लगता है और वो भी जोर जोर से रोने लगती है और वो रोते रोते बोलती है, मुझे माफ कर दो दीदी, मैंने कभी भी आपको बहन नहीं समझा, लेकिन आज के बाद मैं हमेशा आपसे मिलकर रहूंगी, मैं बहुत पापी इंसान हूँ। इतने में किरण के पिता राजेश घर पर वापस आ जाते हैं और वो जानवी और सुरीली को देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। तभी वो किरण से कहते हैं, मैं तो अपने परिवार को खुश रखने के लिए पूरे साल बाहर रहता हूँ और मुझे ये चिंता सताती रहती थी कि कहीं ये दोनों माँ बेटी मिलकर तुम्हारी आँखों में आंसू ना ला दे, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही चल रहा है बेटी, तुमने ही इन्हें रुला दिया। मुझे लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है पिताजी, अब आप कभी भी मुझे छोड़कर मत जाना। हाँ बिटिया, मैं अब से यहीं रहकर काम करूँगा। फ्रॉक को छूते ही जानवी और सुरीली को उनकी गलतियों का एहसास हो गया था। उस दिन के बाद से सुरीली किरण को अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगी और जानवी अपनी बहन की तरह किरण से हर चीज बांटकर इस्तेमाल करने लगी। धन्यवाद माँ, आप जहाँ भी हो हमेशा खुश रहो। जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो कभी कभी उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है।